नेपाल नेशनल टीम के हेड कोच पुरु देसाई के सर ने रिजाइन कर दिया है जी। हाँ, कहीं ना कहीं ये न्यूज़ उम्मीद नहीं थी हमें कि सिर्फ 4-5 महीने बाद, पहले जो हमने न्यूज़ दिया आपके पास हम वीडियो लेकर आए थे कि पुरु देसाई के सर को अपॉइंट किया गया है नेपाल के हेड कोच के तौर पर, तो क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने हैं इसका वीडियो हम आपके सामने लेकर आए थे। लेकिन ये उस वक्त बिल्कुल नहीं लगा था कि सिर्फ 4-5 महीने का ही टेन्यू सर का रहेगा, और कहीं ना कहीं इसमें कोई दोहराया नहीं है। सर ने ज़रूर इसमें कहा हो कि फैमिली रीजंस की वजह से मैं ये जो रिजाइनेशन है वो दे रहा हूँ, खैर रिजाइनेशन जो है वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डेफिनेटली प्रेशर ज़रूर था, इसमें कोई दोहराया नहीं है। T20 वर्ल्ड कप लोअर क्वालिफायर्स में हार को देख लें, वनडे में हालिया परफॉर्मेंस को देख लें, और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने ODI स्टेटस को बचाने को लेकर जो लड़ाई इस वक्त नेपाल क्रिकेट टीम कर रही है, सिर्फ 16 मैचेस बचे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रेशर जरूर बनता है। देखिए, जब आप कुछ जब आपने 2014 में टीम को वर्ल्ड कप में खिलाया पहुँचाया, तो डेफिनेटली सब तरफ से वाहवाही हुई आपकी, आपको काफ़ी फैंस ने ज़बरदस्त सपोर्ट भी किया और ओवरऑल काफ़ी तारीफ आपकी हुई। लेकिन डेफिनेटली जब टीम में जब आपके साथ फेलियर भी जुड़े, चाहे वो कोई भी हो, कोच हो, प्लेयर हो, कैप्टन हो, अगर आपकी सक्सेस आपके साथ जुड़ती है तो फेलियर भी कहीं ना कहीं जुड़ती है। तो अगर आप इस टेन्यूर में फेलियर हुए तो कहीं ना कहीं इस पर जरूर उंगलियां उठनी थी। अब रीजंस आपने कुछ भी दिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रेशर तो जरूर था, ये मानना होगा। इससे टीम को इफेक्ट कितना होगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट होगा, आखिर ये इससे फाइनल सबसे ज़्यादा किसको होने वाला है या फिर नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होने वाला है, इस पर डिस्कशन जरूर होगी। लेकिन एन सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, रीजंस तो हमने क्लियर यहाँ पर कर दिए, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही कहीं ना कहीं कैन को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था स्कॉटलैंड दौरे से पहले ही कि वो अब यहाँ पर रिजाइन करना चाहते हैं, ऐसा सर ने खुद कहा है। ओवरऑल इसको इसके लेकर जो भी और बातें उन्होंने इस इवेंट में कही हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप उस पर ज़रूर बताएं कि आखिर क्या क्या बातें हुई, उस पर उसके बाद ज़रूर बात करेंगे कि आखिर इफेक्ट टीम को कितना ज़्यादा करेगा या फिर नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए उन्होंने यंग लैड्स के बारे में भी कहा, जो प्लेयर हैं यहाँ पर 6-7 प्लेयर नेपाल की टीम के, उनकी तारीफ भी की, यंग है, सीखेंगे, ये जरूर कहा उन्होंने कि फ्यूचर में ये टीम बहुत स्ट्रांग नजर आएगी, वन ऑफ द बेस्ट होगी, इतना उन्होंने उम्मीद जरूर जताया है। वहीं पर सीधा तौर पर उन्होंने कहा, जब मैं यहाँ पर आया था 2012 में, मुझे अपॉइंट किया गया 13 में लगभग, तो वहाँ पर उस वक्त जो प्लेयर थे, यंग प्लेयर्स मौजूद थे, जो इस वक्त यंग प्लेयर हैं इनमें टैलेंट ज़्यादा है, ये जरूर उन्होंने कहा है कि हाँ, सीनियर्स की बात नहीं कर रहे, यंग प्लेयर जो उस टाइम यंग थे बिल्कुल, तो उनके बजाय इस वक्त जो है उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत अच्छी बात है ये यंग प्लेयर्स के लिए कि इतने बड़े अच्छे कोच की तरफ से आपको ये एक अप्रिसिएशन मिला है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा साथ साथ में कि एक की जो एक ग्रुपिज्म था, यूनियन टाइप का था, जो माहौल था वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है, ये बहुत सुनने में भी अच्छा लगा कि चलिए अब टीम में शायद ऐसा है नहीं, तो ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे इस टीम में सब कुछ ठीक हो रहा है, ये बहुत सही है। और अपने बारे में उन्होंने एक चीज़ कही जो बहुत सुनने में आ रहा था कि हॉबार्ट ह्यूरिकेन्स ने, जो हॉस्टन ह्यूरिकेन्स, सॉरी हॉस्टन ह्यूरिकेन्स ने उन्हें कुछ हेड कोच किया है, इसको लेकर उन्होंने फिर से कर चुके थे वो एक बार इसे क्लीन इसको स्टेटमेंट को, पर फिर से उन्होंने दिया है इस पर कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं भी नहीं हूँ और फिलहाल मैं कहीं भी एज अ कोच नहीं जा रहा हूँ, सीधा अपने जो घर है मैं वहीं जा रहा हूँ। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से एक बात जो है वो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव ले सकते हैं, वो ये कि प्लेयर्स के बीच में उनके हिसाब से उनका ये कहना है कि प्लेयर्स के बीच में जो है क्या नाम है उसका, जो लड़ाई है, जो डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेटर हुआ है। उन्होंने कहा कि UAE में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 50% मानेंगे तो स्कॉटलैंड तक वो कहीं ना कहीं 95% बेहतर हो गया है, ये पूर्ण सर का खुद का कहना था। तो अगर इस बात में कहीं ना कहीं दम है तो डेफिनेटली ये टीम के लिए तो बहुत अच्छा होगा, एक अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा माहौल यहाँ पर क्रिएट जरूर होगा कि अगर टीम के प्लेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपस में अच्छा रिलेशनशिप कामयाब करने में। बिल्कुल, और एक चीज़ बस छोटी सी बात यहाँ उन्होंने और कही है कि जो फैंस के लिए उन्होंने कहा है ये बात कि जो फैंस है वो कप्तान पे, संदीप पे और प्लेयर्स पे, टीम पर भरोसा ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल जी हाँ, आप थोड़ा यकीन दिखाइए और यकीन दिखाइए और उस पर टीम ज़रूर खड़ी उतरेगी, उन्हें उम्मीद है और ये टीम जैसा कहा उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट ज़रूर बनेगी इन लड़कों को लेकर जो कि अभी नए हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें उन्होंने, जो मेन बातें हैं वो कहीं ना कहीं पुरु सर की ये रही हैं उस इंटरव्यू में। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आया नहीं आ जाती है कि कोच की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और नेपाल के साथ, ये फिलहाल एक चीज़ है, देखिए पुरु सर हो, डेव व्हाइटमोर हो या फिर यहाँ पर कोई भी और होते,
सबसे चीज बड़ी चीज जो अफेक्ट कर रही है वो ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर चले गए तो टीम अब पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी या खत्म हो जाएगी या फिर टीम कभी उठेगी ही नहीं या सालों तक ऐसी ही टीम रहेगी या कोई नए कोच आएंगे तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम जो टीम को दे रही है वो है कि ये टीम एक कोच को लगातार रखने में नाकामयाब हो रही है। चाहे आप कोच की तरफ से कहेंगे कोच ही छोड़ के चले जा रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर वो कमिटमेंट कहाँ है? आप उस तरीके के कोचेस के साथ हार गई वैसी बात करिए, वैसे 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 लेवल के कोचिंग के लिए आप जाइए कि कम से कम एक टेन्यूर तो लंबा रहे। डे बाइटवर सर भी आए दो तीन, मेरे ख्याल से एक दो तीन महीने में वो भी चले गए, उसके बाद पूडू सर आए वो भी चार पाँच महीने में चले गए। ये चीज़ ज़रूर अफेक्ट करेगी टीम को, आप यकीन मानिए ये चीज़ डेफिनेटली अफेक्ट करेगी। नाम कोई भी हो लेकिन अगर आप बार बार चेंज करेंगे, आप यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग को भी एज अ कोच ले आएंगे, अगर वो भी दो महीने बाद छोड़ के चले जाते हैं तो टीम को कोई फायदा होने वाला नहीं। आप कितना भी बड़ा नाम ले आएँ, अब आप सब एकदम शुरू हो रहे होंगे कि यहाँ से कोच लाइए, वहाँ से कोच लाइए, यहाँ से कोच लाइए, ऑस्ट्रेलिया से लाइए, इंग्लैंड से लाइए, इंडिया से लाइए, जो दुनिया भर के आप आपके माइंड में आ रहे होंगे, आप यहाँ से कोच लाइए, कैसा कोच लाना चाहिए, किस तरह का कोच हो, ये सब तो पूर्व दिशा के सराहने से पहले भी बातें हो रही थी, जैसे डिपार्टमेंट ने छोड़ा एग्जैक्टली सबके बीच में यही बातें हो रही थी, यहाँ से कोच लाओ, वहाँ से कोच लाओ, कैसा कोच होना चाहिए, वैसा कोच होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, आप कैसे भी कोच लाए चार पाँच महीने में वो चले गए। अब यही बात है कि अयान क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्या एक प्रॉब्लम नहीं है कि आप नाम कितना ही बड़ा ले आए किसी भी देश से ले आए लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो सिर्फ चार छः महीने की हो रही है? बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली में। देखिए आप ये बोर्ड और कोच के बीच पर ये बात होती है कि कैसा आप, एक तो परफॉर्मेंस क्रिटेरिया तो होता ही है, बेशक जरूर होता है, कहना होगा कि देव वाइट मोर्सर के रीजन कुछ और रहे होंगे जो कि सामने आए भी थे, हमारे सामने भी आए थे, पर प्रभु सर के जो रीजंस रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा विजनरी भी है, दिखता है साथ, विजिबल है, विजिबल है कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी गिरा है नेपाल का इनके अंडर में, और बोर्ड से शायद वो एक बेहतर एक जो कॉन्टैक्ट है या टॉक है, बातचीत है, वो इतनी अच्छी या इतनी बेटर हुई नहीं है इन दोनों के बीच में। ये भी एक रीज़न होता है कि आप कुछ चाहते हो, बोर्ड कुछ चाहता हो, आप कुछ और बातें रखना चाहते हो या कुछ आप मांग रहे हो वो पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो इस तरीके से ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दिक्कत है वो बोर्ड और कोच के बीच में हो जाती है, पर इसको कंटिन्यू रखना, ये थोड़ा सा लचीला रुख होना चाहिए किसी बोर्ड में होना चाहिए, क्योंकि वो कोच है वो आपके बेटरमेंट के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा रुख जरूर रखना है। पर क्या हुआ है ये तो सर ने कह तो दिया पर्सनल रीजन, पर वो उनका है, कहा है तो कुछ होगा जरूर, लेकिन जितना हमने देखा है, जितना कि जो रिजल्ट भी बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं एकदम सामने है, तो थोड़ा सा जग जाहिर है कि हाँ कुछ जरूर है बोर्ड और कोच के बीच में जो ठीक नहीं चलता, और हर छः महीने सात महीने में बार बार खत्म हो जाता है जो करा है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको जरूर दिक्कत करेगा, आप भले इस पर अभी बिलीव करें ना करें, आप कितने भी बड़े देश से का कोच लेकर आ जाए उससे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला अगर उनका टेन्यूर भी सिर्फ तीन छः महीने होता है। तीन चार महीने, चार पाँच महीने में कोई भी कोच आकर आपकी टीम को एकदम अस से फर्स्ट पे नहीं पहुँचा देगा, चाहे आप कितने भी महान कितने भी बड़े कोच को अपनी टीम में ले आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उनको वक्त देना होगा, आपको उनको टेन्यूर देना होगा लंबा। बैटिंग कोच की भी बात होती है, आप अगर बैटिंग कोच को भी ले आते हैं तो आपको क्या लगता है दो तीन महीने बैटिंग कोचिंग देकर ये बैट्समैन जो है सीधे ऐसा डॉन बैटमैन या फिर उनकी तरह बैटिंग या फिर बहुत अच्छे बैट्समैन हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उन्हें भी वक्त देना होगा, सर डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, रोहित 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 बने वो बेहतर है, कुशल कुशल बने, आसिफ आसिफ बने, लोग ये कहें नहीं आसिफ शेख है ये रोहित पटेल है, किसी को ड्रॉन बैटमैन सचिन या कुछ या इंजमाम या बाबर कुछ किसी को कुछ बनने की जरूरत नहीं, आप जो है खुद में है आप एक बेहतर प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बैटिंग कोच भी अगर आए तो फिर क्या गारंटी है कि आप ना आप ये गारंटी दे सकते हैं ना ही बोर्ड ये गारंटी दे पा रहा है कि आखिर टेन्यूर जो है वो इतना शॉर्ट क्यों रह रहा है। इसको सॉर्ट आउट जरूर करना होगा आपको, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस खराब है, चलिए ठीक है परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डेव वाइटमोर सर क्यों चले गए, ये भी है क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बातें रखनी होंगी, ऐसी बात रखनी होगी कोच के सामने कि आप कम से कम 1.5 से 2 साल हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे, परफॉर्मेंस को हम देखेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं हम डिसाइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और ये चीज़ डेफिनेटली टीम को अफेक्ट बहुत ज़्यादा करती हुई नजर आएगी। तो यार यहाँ पर ओवरऑल आप यहाँ पर क्या है, कोच तो रहे नहीं, तो कहीं ना कहीं नए कोच के बारे में जब पूछा गया वहाँ पर जो भी थे रिप्रेजेंटेटिव कैंप की तरफ से, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया? बिल्कुल, देखिए उन्होंने डायरेक्टली कहा, उन्होंने जो मेन है उन्होंने यही बोला कि ये सर का
यू नो ये रीज़न है, पर्सनल रीज़न है, ये उन्हीं की राय है, ये ऐसा उन्होंने कहा है। और इस पर ज़्यादा लेके उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ रिवील टाइप का नहीं किया सबके सामने। और सर ने भी कहा कि इसको, बबडू सर ने भी कहा कि इसको लेकर कुछ सवाल होने नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल है, वो मेरा पर्सनल रीज़न है, मैं इस वक्त फैमिली के साथ ही रहना चाहूँगा और इसके लिए कुछ ना ही किसी ने कोई सवाल किया। ये अच्छी बात है कि पर्सनल रीज़न को लेकर कोई सवाल नहीं हुआ। और मैनेजमेंट की तरफ से भी यही था कि उन्होंने कहा रिजाइन के लिए, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जहाँ तक बात है नए कोच के बारे में, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अभी इसका प्रोसीजर जो है अभी कुछ खास इस पर करने नहीं वाले, ऐसा प्रोसेस ही चलेंगे, स्लो स्लो चलेंगे, आईसीसी को पहले इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे एक प्रोसीजर चलता है हेड कोच कोच को थोड़ा वक्त लगेगा। इसका मतलब डेफिनेटली है कि अभी जो अगस्त का ही महीना है वहाँ पर कहीं ना कहीं कोच को इम्प्लीमेंट शायद किया जाए हाफ तक या फिर लास्ट तक, उसके बाद ही यहाँ पर चीज़ें जैसे जैसे सामने आएगी आपके सामने प्रेजेंट हम जरूर करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल ये एक अपडेट था वीडियो को लेकर आपके सामने आए कि इफेक्ट आप ये नाम नहीं करेगा, आप यहाँ पर पूर्ण देसनाई के सर को रखें, डेव व्हाइटमोर को रखें, रिकी पॉन्टिंग को रखें, गैरी कस्टन को रखें, गैरी सॉबर्स को रखें, कितने भी बड़े यहाँ पर प्लेयर कोच को आप सामने ले आए रखें, अगर वो भी 3-4-6 महीने में चले जाते हैं तो टीम के लिए डेफिनेटली सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, बार बार मेंटेलिटी चेंज हो। बिल्कुल, और इससे एक चीज़ है, इससे सबसे सबसे ज़्यादा दिक्कत है टीम। बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आसिफ शेख के बारे में या रोहित पटेल के बारे में कि उनके उनमें अचानक से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि जो नए बैट्समैन आएंगे तो एकदम आप बहुत बड़े अच्छा खेलने लगेंगे, ये सोचने वाली बात है, इस पर रिएक्ट करने वाली नहीं, ये सोचने वाली बात है कि अलग अलग कोच अगर आएंगे तो उनका अलग अलग अप्रोच होता है और उससे प्लेयर्स लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग अपना एक जो मेंटालिटी है डिस्ट्रैक्ट होते हैं और एक गेम पर फोकस नहीं करते। यहाँ वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 चल रहा है तो वहाँ एक कोच या मैक्सिमम दो कोच होने चाहिए थे। आप देखिए आज कहाँ नेपाल, दो भी नहीं है यार, एक सिर्फ 36 ओडीआई मैचेस, बिल्कुल सही। और आप देखिए स्कॉटलैंड हो या आपके ओमान हो, इन सब के कोचेस देखिए, यूएई ने अब तक कितनी तरह अच्छी तरह हायर किया हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, कोच बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना टीम ड्रास्टिकली गिरेगी और उसका रिजल्ट जो है वो टीम पर ही आएगा और टीम के जो आउटकम्स होंगे वो बहुत खराब। बिल्कुल, आप खुद देखिए अभी तक सिर्फ आधे करीब मैचेस हुए हैं, 20 मैचेस हुए हैं नेपाल टीम के और दो अलग अलग विजरी कोच यहाँ पर आ चुके हैं। डेव व्हाइटमोर सर वो आए होंगे तब उन्होंने तब प्लेयर्स ने कहा अच्छा ऐसे अप्रोच के साथ खेलना है, पोडू सर आए उन्होंने अपना विजन बताया होगा उनका अच्छा ऐसा अप्रोच साथ खेलना है, अब तीसरे कोई कोच आएंगे फिर उनका विजन अलग होगा, फिर बैट्समैन कहेंगे अरे यार फिर चेंज करना होगा। लेकिन मैचेस आपके पास सिर्फ 16 बचे हुए हैं और आने वाले वक्त में, तो इसलिए रिक्वेस्ट यही रहेगा आप यदि कोई किसी को भी हेड कोच हायर करें कोशिश करें कि टेन्यूर थोड़ा बड़ा हो लंबा हो, जो भी रीजंस रहे हो उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करें, बात करें कि इतनी आसानी से कोई भी ऐसे अगर 4-6 महीने में कोचिंग छूट जाए, आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टीम को और प्लेयर्स को इफेक्ट करेगा। ये आपको शायद अभी समझ में ना आए, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और लगातार बने रहिए डेली चैनल से, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, डिस्कस करिए, डिस्कशन वीडियो है जरूर डिस्कस करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना।